मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज टुडे चैप्टर इज फ्रीडम फाइटर्स एंड लास्ट अपन ने डिस्कस किया था अपना जो चैप्टर है और फेस्टिवल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया. ओके, नाउ जिन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए फाइट की थी. देन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया ने मतलब 15 अगस्त 1947 को ये इंडिपेंड हुआ था. ओके, फ्रीडम मिली थी ऑफ सेल्फलेस एफर्ट मेड बाय मैनी फ्रीडम फाइटर्स. ठीक है, और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? काफ़ी सारे मतलब मैनी फ्रीडम फाइटर्स थे. इट मीन्स फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट की थी. हु टायरलेसली वर्कड टू अचीव देयर गोल्स, और टायरलेसली इन्होंने अपना जो गोल है वो अचीव किया था. नाउ मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द रिलेटेड फ्रीडम फाइटर्स. ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है और ये कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो हमें इनको क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को इन पिक्चर्स से अपने को मैच करना है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज ही सैड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो स्वराज है वो मेरा बर्थ राइट है, मेरा बर्थ से ही अधिकार है. ठीक है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूँगा. ओके, तो ये किसने कहा था? सो दिस इज फ्रॉम बाल गंगाधर तिलक. ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने. बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, इन्होंने ये कहा था. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द सी अनफोल द फ्लैग ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस. ठीक है, इन ए कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टटगार्ट इन जर्मनी. ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो इंडिया जर्मनी का जो मतलब कॉन्फ्रेंस था स्टटगार्ट में, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे जो फ्लैग ऑफ इंडियन जो इंडिपेंडेंस का अपना जो इंडियन इंडिया का जो फ्लैग है उसको अनफोल्ड किया था, उनको फहराया था. ठीक है, तो ये कौन है? देन सी इज बिकासी रिस्टर्न कामा. ये जो आप देख रहे हो इन्होंने ये किया था. ठीक है, सो सी इज बिकाजी रुस्तम कामा. ओके, इन्होंने किया था. नेक्स्ट वी हैव इज ही सैड गिव मी ब्लड एंड आई विल प्रॉमिस योर फ्रीडम. इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ठीक है, तो ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस. क्या नाम है इनका? सुभाष चंद्र बोस. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हु पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसऑबेडियंस मोमेंट. ठीक है, ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की नाइटिंगेल है, और इन्होंने जो सिविल डिसऑबेडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था ये कौन है? सो सी सरोजिनी नायडू. कौन है ये? सरोजिनी नायडू. नायडू. ओके, नाउ इसी टाइप से नेक्स्ट अपना है ही इज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. इनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है. सो ये कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले. हु इज ही इज गोपाल कृष्ण गोखले. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस.
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं उनके फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे एंड हु फॉर्म्ड द होम रूल लीग्यू, ठीक है। और इन्होंने क्या बनाया था, जो रूल लीग्यू है वो इन्होंने बनाया था। नाउ हु इज शी, शी इज एनी बिसेंट, एनी बिसेंट, ओके, इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट वी हैव इज द क्वीन ऑफ झांसी, ये क्या थे, झांसी के क्वीन थे, हु डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश फोर्सेज इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जो मतलब रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने अपनी जान, मतलब ये डाइड हो गए थे ब्रिटिश फोर्सेज से, जो ब्रिटिश रूल है उनसे फाइट करते हुए, और ये झांसी की क्वीन थे। तो कौन हो गई ये, सी इज रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो ये कौन हो गए, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट वी हैव इज शहीद ए आजम हु इंस्पायर्ड, ठीक है, शहीद ए आजम हु इंस्पायर्ड द यूथ ऑफ इंडिया टू फाइट फॉर फ्रीडम, ठीक है। जो शहीद ए आजम है जिन्होंने क्या किया था कि जो यूथ है इंडिया का, ठीक है, उनको फ्रीडम के लिए फाइट करना सिखाया था, इंस्पायर किया था। तो ये कौन हो गए, भगत सिंह, हु इज ही, इज भगत सिंह, भगत सिंह, ओके। सो नाउ तो इसमें अपन ने कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में देखा, ओके। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर। So, thank you.